प्यार की राह में चलना सी प्यार की राह में चलना सी इश्क की Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Whiskeypedia. दोस्तों सबके चेहरे पे खुशी और मर्दों के चेहरे पे लाली तो आ ही गई होगी ये एड देख के. जी हाँ दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा Imperial Blue Whiskey का. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देता हूं मैं सीग्रम्स इंपीरियल ब्लू विस्की के बारे में. दोस्तों ये बनना स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1997 में और इसको इंडिया में बनाती है पर्नोड रिकॉर्ड. दोस्तों ये जो टैगलाइन है मेन विल बी मेन, ये यही विस्की है जो लेके आई है हमारी मार्केट में और बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा है इस विस्की में. काफी अच्छी ये एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, काफी फनी एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं ये मैन के नेचर के ऊपर. और ये जो विस्की है दोस्तों इतने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं. ये इंडिया पे फर्स्ट 5 नंबर्स में आती है सेल्स फिगर के मामले में. ये एनुअली 20 मिलियन केसेस सेल कर देती है. जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, 2 करोड़ केसेस ये एक साल के अंदर सेल कर देती है. क्यों ये मैं बताऊंगा आपको अभी इस वीडियो में. दोस्तों जो इसका प्राइस है ये है मेन की इसकी जो है सेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है. मेरी सिटी में इसका प्राइस है 600 रुपीज, लेकिन मैंने इसको लिया हिमाचल में, वहां इसका प्राइस है 450 रुपीज. 450 रुपीज ओनली. जी हाँ दोस्तों, यही एक बड़ा पॉइंट है जिस पे ये कंपनी खेल रही है, जिस पे हमारे जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. दोस्तों हमारी जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, पॉपुलेशन की वजह से बहुत बड़ा एक इसका दायरा हुआ हुआ है हमारी मार्केट का. और जो हमारे इंडियन कस्टमर्स हैं ये सबसे पहले देखते हैं कि हमें कम बजट में बढ़िया क्वालिटी वाली विस्की कौन सी मिलती है, और यही कुछ कर दिखाया है इसी कंपनी ने. जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हमारी मार्केट में. ये आप देखिए एक बार, शिवास रीगल 100 पाइपर्स और ब्लेंडर प्राइड इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं. तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रोडक्ट भी उन्होंने कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा, और इसमें कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होगी जो हमारे इंडियन कस्टमर के टेस्ट बर्ड्स को इतनी अच्छी लगती है. जी हाँ दोस्तों, तो ये थी ज्ञान की बातें, चलते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की तरफ. तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी फटाफट 360 व्यू और इसकी अनबॉक्सिंग. तो चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट करते हैं इसका 360 व्यू और इसकी अनबॉक्सिंग. तो ये है बॉक्स इंपीरियल ब्लू सुपीरियर ग्रेन विस्की का, काफी अच्छा बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है. ये है इसकी राइट साइड, राइट साइड पे मेंशन है कि इसमें क्या कुछ पड़ा है, इसके इंग्रेडिएंट्स और ये कहाँ पे बनी है आप एक बार देख लीजिए. ये है इसकी बैक साइड, कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है बैक साइड के ऊपर. 750 ml की बोतल है दोस्तों, 75% प्रूफ है और 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है. MRP जो ऊपर मेंशन है मैं आपको दिखा देता हूँ, MRP ऊपर मेंशन है 550 रुपीज, लेकिन ये मुझे मिली है 450 की, क्योंकि ये मैंने हिमाचल से बाय किया है. पंजाब में इसका रेट है 610 रुपीज. आपकी सिटी में ये क्या कॉस्ट करती है आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए. तो चलिए अब मैं निकालता हूँ इसको बॉक्स के बाहर और दिखाता हूँ आपको कि कैसी है इसकी बॉटल. तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. तो ये है दोस्तों बॉटल इंपीरियल ब्लू विस्की की, जो है ट्रांसपेरेंट बॉटल में आती है. ये काफ़ी अच्छी सिंपल सोपर डिज़ाइन है इसका, कोई बहुत ज़्यादा गिमिक्स नहीं यूज़ की हैं कंपनी ने. तो ये है इसकी बैक साइड, बैक साइड पे भी यही कुछ लिखा है
जैसे कि इस पे मेंशन है फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश ओनली, और ये मैंने ली भी हिमाचल से ही है। तो चलिए ये है इसका कैप और नॉब, करते हैं अब इसको ओपन, इसकी सील ओपन करते हैं और चलते हैं अपनी नोजिंग और टेस्ट की तरफ। तो चलिए करते हैं इसकी सील ओपन। तो दोस्तों बॉटल को मैंने ओपन कर दिया है, तो चलिए अब चलते हैं इसकी टेस्ट और नोजिंग की तरफ। तो ये थी दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग और 360 व्यू। अब मैं इसको करता हूँ ग्लास में पोर और दिखाता हूँ आपको कि कैसा है इसका कलर, और करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। हालांकि मैंने आज तक मैंने भी इसको कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने भी कभी नहीं पी है, ये पहली बार ही मैं भी इसको ट्राई करने लगा हूँ। तो चलो देखते हैं कैसी है ये पीने में। ग्लास में हमने कर लिया पोर, बॉटल को रखते हैं अप साइड में और करते हैं इसकी बात। तो चलिए दोस्तों पहले कलर की बात कर लेते हैं। कलर इसमें एडिटेड कलर्स डाले हुए हैं, नेचुरल कलर नहीं है ये, इसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है ये। तो जो इसकी बॉडी है ये लाइट बॉडी बन रही है, हैवी बॉडी नहीं है, मीडियम बॉडी भी नहीं बन रही है, लाइट बॉडीड है ये आप देख सकते हैं। इसके जो ऑयल्स है काफी जल्दी से फटाफट नीचे आ रहे हैं, देखने में काफी यंग विस्की लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसको काफी देर तक मैच्योर किया गया हो बैरल्स में। हालांकि इस जो है प्राइस रेंज में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा इन्होंने मैच्योर किया हो। तो चलिए अब इसको मैं पैलेट पे लेके देखता हूँ कि कैसी है ये, उससे पहले हम करते हैं इसकी नोजिंग। तो चलिए पहले करते हैं इसकी नोजिंग और बताता हूँ आपको कि कैसी है ये नोजिंग में। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे हल्का हिंट ऑफ स्मोक आ रहा है, जैसा जो है पीट का एक स्मोक होता है जो हम बाले जब सुखाते हैं पीट को जलाते हैं, वो वाला स्मोक हल्का सा मेरे को मिल रहा है इसमें से। और दोस्तों इसमें से फ्रूट्स की काफी अच्छी फ्रूटी नोट्स आ रही हैं। अब मेरे को कई बार मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि सच में इसमें से कोई नोट्स आती हैं, तो हाँ भाइयों आती है, जरूर आती है, आप लोग भी जरूर ट्राई करें। पहले एक दो बार आपको नहीं पता चलेगा, एक जो अल्कोहल का पंच होता है वो आपको जरूर तंग करेगा, लेकिन जब आप 4-5 बारी इसको ट्राई करोगे एक आपको जरूर एक अरोमा मिलेगा, जो विस्की का नेचर होगा वो आपको भी पता लगेगा। तो चलिए अब करते हैं इसके बारे में बात। फ्रूट्स का इसमें से आ रहा है, जरूर इंपैक्ट आ रहा है फूलों का, फ्रूट्स का, और पीक का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है। तो चलिए अब मैं इसको पैलेट पे लेता हूं और बताता हूं आपको कि पैलेट पे ये कैसी लगती है। तो दोस्तों पहली बारी मैंने इसको ट्राई किया है, काफी अच्छी काफी स्वीट विस्की है ये, बिटरनेस नहीं आ रही है मेरे को, काफी अच्छी काफी इजी गोइंग है, बहुत आराम से नीचे जा रही है। इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि ये इतनी अच्छी सेल्स कर रही है हमारे इंडिया में, क्योंकि ये काफी इजी गोइंग है, काफी अच्छा उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है। चलिए एक बार फिर से करते हैं इसको पैलेट पे ट्राई और बताता हूं आपको कि कैसी है ये पीने में। दोस्तों हिंट ऑफ पीट, हल्की स्मोकीनेस इसमें से आ रही है, जैसा कि मैंने इसकी नोजिंग में बोला ये एक लाइट बॉडीड विस्की है, यही मेरे माउथ फीलिंग में आ रही है, काफी अच्छी माउथ फीलिंग है। अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें वाटर मिलाता हूं और बताता हूं आपको कि पानी के साथ ये कैसी लगती है। तो चलिए थोड़ा सा पानी मिलाते हैं अब इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको ट्राई करता हूं, बताता हूं आपको कि पानी के साथ कैसी लगती है ये।
काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इजी गोइंग है, बर्निंग नहीं दे रही है, आपके पैलेट को बर्न नहीं करेगी। हालांकि आप इसको नीट मत पिए, क्योंकि एक ये सिंगल मॉल्ट या स्कॉच विस्की मैं नहीं बोल सकता, ये अगर आप नीट पियोगे तो ये थोड़ी हानिकारक होगी आपकी सेहत के लिए। आप इसको पिए पानी के साथ और या पानी या सोडे के साथ मिक्स करके पिए, काफी अच्छी विस्की है। मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू प्राइस 450 प्राइस को देखते हुए दोस्तों मेरी तरफ से ये थम्स अप है, विस्की काफी अच्छी विस्की है, आप लोग इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।